हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को फिर से मेरा चैनल तहन कुकिंग पर स्वागत है। आज मैं आपको बना के दिखाऊँ कि घर का घुगनी कैसे अच्छे से बनते हैं। तो मैं इसको 4 से 5 घंटे तक भिगा के रख दिया है। अच्छे से मेरा चना फूल गया है। अब इसको मैं कुकर में डाल के आलू मैंने 3 लिया है, नमक 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, उसको डाल के ढक दे के और उसको गैस में बिठा देंगे। दोस्तों हमने बिठा दिया है, उसके बाद हम उसको हाई आँच में गैस रखना है। 3 सीटी लग जाने से हम उसको उतार देंगे। दोस्तों हम देखेंगे हमारा चना कैसे हुआ है। दोस्तों मेरा चना अच्छे से हो गया है। हम इस तरह चना को सिझा देंगे और उसका आलू का छिलका निकाल देंगे। दोस्तों मैंने 2 टमाटर, 4 प्याज और हरी मिर्च, 4 धनिया का पत्ता लिया है, इसको अच्छे से बारीक से काट देंगे। दोस्तों हमने आलू का छिलका निकाल दिया है, उसको हम चाकू से ऐसे काट देंगे। हरी मिर्ची और धनिया पत्ता को हमने अच्छे से काट दिया है। उसके बाद हम थोड़ा जीरा लेंगे और थोड़ा रायता लेंगे उसको तड़का देने के लिए, और 2 सूखा मिर्ची। तो हम कढ़ाई बिठाएंगे और 2 चम्मच घी और रिफाइन तेल डालेंगे और तड़का डाल देंगे। उसके बाद हम प्याज को डालेंगे, जैसा हमने डाल दिया है उसको हम भूनेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे 1.5 चम्मच, उसको भी 2 मिनट ऐसे भूनेंगे। दोस्तों हम अब उसमें सूखा मसाला पाउडर भी डालेंगे, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, और हम यहाँ नमक 2 चम्मच डालेंगे। दोस्तों आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। उसको भी हम 2 मिनट तक ऐसे भून देंगे। दोस्तों हमारा मसाला हो गया है, और उसके बाद हम जो टमाटर और हरी मिर्ची काट कर रखे थे उसको डाल देंगे। 2 मिनट तक ऐसे भूनेंगे। टमाटर हमारा थोड़ा पक जाने से हमारा आलू चना को यहाँ पर डाल लेंगे। आलू को हम यहाँ थोड़ा हाथ से प्रेस कर देंगे। दोस्तों हमारा टमाटर थोड़ा हो गया है, हम उसको अभी डाल देंगे चना को। अच्छे से चारों तरफ से मिला देंगे। हमने अच्छे से मिला दिया है। हम यहाँ 2 से 3 गिलास पानी डाल देंगे। उसको 10 मिनट के लिए गैस में बिठा देंगे थोड़ा पकने के लिए। हमने जो प्याज काट कर रखे थे उसको ऊपर डाल देंगे। घुगने के ऊपर हमको प्याज को डाल के उसको 10 मिनट तक गैस में बिठा देंगे, ताकि हमारा घुगनी और थोड़ा अच्छे से पक जाए। और दूसरी साइड में हम तवा बिठा देंगे गैस के ऊपर। 8 सूखा मिर्ची, 5 से 6 चम्मच जीरा को उसे हल्के से भुनेंगे, और भुनने के बाद हम उसको ठंडा करके पॉट में डाल देंगे और उसका पाउडर बना देंगे। दोस्तों अब मेरा पाउडर बन गया है, हम अभी उसको घुगनी के ऊपर डालेंगे। मैं यहाँ 3 चम्मच यहाँ पाउडर डाल रही हूँ। उसको डालने से उसका स्वादिष्ट और भी अच्छा बढ़ जाता है। और हम धनिया के पत्ता को उस पर डाल देंगे, इस तरह बिछा के डाल देना है। और दोस्तों हमारा घुगनी कितना अच्छे से और कम समय में बन गया है। दोस्तों हमारा रेसिपी कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।